नोएडा में ग्रैब 4 लागू है, ऐसे में प्रदूषण विभाग नियमों के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में नोएडा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर बड़ा एक्शन लिया। निरीक्षण टीम ने 4 संस्थानों पर 1,04,70,000 का जुर्माना भी लगाया। नोएडा में ग्रैब 4 लागू है और ऐसे में प्रदूषण विभाग नियमों के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा। इसी कड़ी में नोएडा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर बड़ा एक्शन लिया। निरीक्षण टीम ने 4 संस्थानों पर 1,04,70,000 का जुर्माना भी लगाया। ये जुर्माना संस्थाओं को जमा करना होगा, अन्यथा RC जारी कर वसूली की जाएगी। दरअसल नोएडा में प्रदूषण के चलते ग्रैब 4 लागू है और इस दौरान किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। बतौर DM ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्ती बरतने के लिए कहा गया। बता दें कि जिला प्रशासन, प्राधिकरण, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ज्वाइंट टीम बनाई गई। ये टीम रात में साइट का निरीक्षण कर रही है। इस क्रम में निरीक्षण किया गया, पाया गया कि नोएडा में कई स्थानों पर ग्रैब 4 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में टीम ने 2 निर्माण साइट पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया। इसमें प्लॉट नंबर B8 सेक्टर 62 पर कंस्ट्रक्शन काम किया जा रहा था। इसके अलावा प्लॉट नंबर ग्रुप हाउसिंग D04/E सेक्टर 44 पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं प्लॉट नंबर FC 21/22 सेक्टर 16A नोएडा पर 4,20,000 और पब्लिक टॉयलेट नंबर 59 सेक्टर 98 के संस्था की प्राधिकरण की संविदाकार कंपनी है, जिसमें खुले में मिट्टी का भंडारण किया था। हवा से ही मिट्टी उड़ रही थी, इस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बहरहाल नोएडा में बढ़ता प्रदूषण न केवल प्रशासन के लिए एक चुनौती है, बल्कि यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा है। ग्रैब 4 के तहत जारी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराना और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखता नजर आ रहा है। टोटल TV के लिए नोएडा से शिव त्यागी की रिपोर्ट।